आज का जो कार्यक्रम है संक्षिप्त में इस प्रकार है। सबसे पहले झंडोत्तोलन, झंडोत्तोलन के बाद प्राचार्य महोदय द्वारा अपना विचार व्यक्त करेंगे, उसके बाद स्कूल कैप्टन के द्वारा विचार व्यक्त किया जाएगा, उसके बाद सामूहिक ज्ञान होगा, सामूहिक ज्ञान के बाद प्रिफेक्ट लोगों को प्राचार्य के द्वारा बैच वितरण किया जाएगा, तत्पश्चात यहाँ पे निनाद होगा, निनाद के बाद विसर्जन होगा और तभी आप लोग यहाँ से विसर्जन के बाद ऑडिटोरियम में जाएंगे जहाँ आपका कार्यक्रम होगा। अरे स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर सारे देशवासियों को और विशेष करके मेरे इस विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को जो भी अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं, जो हमारे पूर्व छात्र मुख्य उपस्थित हैं, सबों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमने स्वतंत्रता पाई थी। 15 अगस्त 1947 को हमने अपनी स्वतंत्रता का पहला जश्न मनाया। हमारी अपनी संविधान बनी, भारत देश निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होता रहा, हमने आकाश की ऊंचाइयों को छू लिया, हमने समुद्र की हर गहराई को माप लिया, हमारी सैन्य शक्ति देश की रक्षा के लिए अव्वल बनती गई, भारत हर क्षेत्र में विश्व पटल पर अपना झंडा लहराता चला गया। संवैधानिक रूप से हम स्वतंत्र हैं, परंतु क्या हम सच्ची स्वतंत्रता की डींग मार सकते हैं? क्या हम आज धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से स्वतंत्र हैं? सोचने की बात है, हर भारतवासी को मंथन करने की आवश्यकता है। हमें स्वीकार करना होगा कि हम पूरी तरह से अभी भी स्वतंत्र नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता चाहिए तो सच्चाई की आवाज को सुनना होगा, आप सभी को अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा और सुन करके उस पर चलना होगा। हमें जात पात, ऊंच नीच, भाषा धर्म, धनी गरीब के भेदभाव को मिटाना होगा। यदि हम ऐसा कर सकें तो हम सभी सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पूरे दिल से ले पाएंगे। आइए हम आज सभी मिलकर के ऐसी सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयत्न करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भारत। अब स्कूल के कैप्टन समृद्धि सिन्हा अपना विचार व्यक्त करेंगे। ये तीन रंग नहीं देश की शान है, ये तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, यही गंगा, यही हिमालय, यही हमारी जान है, तीन रंगों में रंगा ये हमारा हिंदुस्तान है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे सहपाठियों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि मैं इतिहास की बात करूं तो 15 अगस्त 1947 के दिन लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमें आजादी मिली थी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने आजाद भारत में जन्म लिया है और आज यदि हम खुली हवा में सांस ले रहे
है जिन्होंने हमली प्राणों की आहूति देकर हमें आजादी दिलाई, उन सब को मेरा शत शत नमन है। चलो आज फिर वो नजारा याद करने, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद करने, जिसमें बहकर राजाजी फौजी थी किनारे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद करने। केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, हम उन वीर जवानों के भी ऋणी हैं जो आज भी हमारी रक्षा के लिए सीमा पर अपने प्राण न्योछावर कर रहे हैं। उन वीर जवानों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि विज्ञान कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कह सकता शून्य से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। शून्य से नीचे चटक जाती है हड्डियां और 50 के ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियां। फिर ये लोग कौन है जो सियाचिन के ग्लेशियर में -30 डिग्री में भी तिरंगे के तार कस रहे हैं, और वो कौन है जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 55 डिग्री में भी राइफल ताने हंस रहे हैं। ये वो है जो बर्फ में 10 दिन दफन रहकर भी जिंदा निकलते हैं। ये वही है जो बर्फ में 10 दिन दफन रहकर भी जिंदा निकलते हैं। हम चैन से सिर्फ इसलिए सोते हैं क्योंकि सरहद पे वो जगते हैं। आजाद भारत आज 75 वर्ष का हो गया है। इस लंबे समय में हमने कई चुनौतियों का सामना किया है, कई उतार चढ़ाव देखे और विकास के मार्ग पे आगे बढ़ते गए हैं। समय बदला और चुनौतियां भी बदली। आज भारत के विकास के मार्ग में जो मुख्य बाधाएं हैं वो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और भटका हुआ युवा वर्ग। जिस युवा वर्ग पर देश को आगे बढ़ाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स पर ही अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते नजर आते हैं। अंग्रेजों से तो हमें आजादी मिल गई, पर अब इस 4x4 के मोबाइल फोन ने हम सबको गुलाम बना रखा है। एक और गंभीर समस्या मुझे आज के दौर में दिखती है, वो है मुफ्तखोरी। चुनाव जीतने के लिए नेता जनता को मुफ्त राशन, बिजली, पानी आदि का लालच देते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सरकारें ये अपनी जेब से देती हैं? बिल्कुल नहीं, ये आम जनता के टैक्स के पैसे से होता है। और इस मुफ्तखोरी के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं ये जानना चाहते हैं तो श्रीलंका के वर्तमान हालात को जानिए। वहां की सरकार ने जनता को सब मुफ्त देने के चक्कर में देश को कंगाल बनाकर छोड़ दिया। हमें ऐसा भविष्य नहीं चाहिए, हमें मुफ्त का राशन, बिजली, पानी नहीं चाहिए, वरन हमें अवसर चाहिए जिससे हम अपने भविष्य को स्वयं बना सकें। हमें रोजगार चाहिए, हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। और ये सब इतना भी मुश्किल नहीं है, हमने इससे कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। जब हम पहले प्रयास में सबसे कम खर्च में मंगल तक पहुंच सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कोरोना जैसी महामारी का भी हमने डट कर सामना किया। हमने ना केवल कोरोना की वैक्सीन बनाई बल्कि उस जीवन रक्षक वैक्सीन को दूसरे देशों में भेजकर मानवता की अद्भुत मिसाल भी कायम की है। ये मेरा भारत है। कोरोना को हराने में भारत के हर वर्ग ने अपनी शत प्रतिशत जिम्मेदारी निभाई है। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और हमारे शिक्षक दल। हमारे कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ज्यादा तकनीकी ज्ञान नहीं था, पर उन्होंने उस नई तकनीक को सीखा हमारे लिए ताकि हम कुछ सीखने से वंचित ना रह जाएं। ये मेरा भारत है। लॉकडाउन के दौरान हम सब ने अपनी थाली एक दूसरे के साथ बांट कर खाई ताकि कोई भी भूखा ना सोए। ये मेरा भारत है। पर बस इतना ही काफी नहीं है, अभी हमें और बहुत कुछ करना है, क्योंकि लाल किले पर तिरंगा सड़क पर भारत माता की जय और स्कूलों में जन गण मन, क्या सिर्फ इतनी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश फौज से लड़ गए थे और 23 साल के भगत रंग दे बसंती गाकर फांसी चढ़ गए थे? क्या सिर्फ डेढ़ गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आग दिखाई थी? और क्या सिर्फ नोटों पर छपने के लिए बापू ने सीने पर गोलियां खाई थी? नहीं, आजादी वो है जब पैरों को छालों का डर ना रहे
और सच को संभालोगा। आजादी वो है जब अमीरी और गरीबी का फर्क मिट जाए और टूटी हुई चप्पल डिजाइनर जूतों के साथ कदम मिलाए। आजादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और झोपड़पट्टियों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब लड़ाई महजिद या शिवालयों के लिए नहीं गरीब के निवालों के लिए हो। आजादी वो है जब हौसलों की उड़ान सारी बाधाओं को तोड़ दे और हर बेटी यदि रात के 12 बजे भी काम पर जाए तो वो डर ना छोड़ दे। एक और जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते चलो, बस अगले ही मोड़ पर थोड़ी ही दूर आजादी है। भारत के विकास के मार्ग में जितनी भी बाधाएं आएंगी हम उन सब से लड़ेंगे, सबको हराएंगे और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। अंत में अपनी वाणी को विराम मैं मोहम्मद रफी साहब की इन पंक्तियों से देना चाहूंगी। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद। धन्यवाद समृद्धि। अब आपके सामने सामूहिक गान। जीने दो, यही तो है।